अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वो वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।